दुर्ग न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दुर्ग जिला न्यायालय की विशेष लोक अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के एक मामले में आरोपी मेशराम यादव को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल ये पूरा मामला बोरी थाना क्षेत्र का था, जहां वर्ष 2020 में 19 अप्रैल को आरोपी मेशराम यादव बुरी नीयत से पड़ोस में ही रहने वाली नाबालिग के घर घुसा, जिस पर परिवार वालों की नजर पड़ने पर पीड़िता ने विगत एक वर्षों से आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने की जानकारियां दी। इसकी शिकायत बोरी थाने में दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर जिला न्यायालय में पेश किया, जिस पर दुर्ग जिला न्यायालय की विशेष अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश तिथि फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पास्को अधिनियम दुर्ग के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार देवांगन ने सुनवाई करते हुए आरोपी मेशराम यादव को दोषी माना और 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में विशेष लोक अदालत अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। उसको शादी का प्रलोभन देकर के बार बार शादी संबंध बनाता और घटना दिनांक को ये उसके घर की दीवार घर की दीवार को फान करके जो लड़की हाल में सो रही थी, परिवार के लोग भी हाल में सोचे, वहाँ पर लड़की के साथ मैंने चित्रित करने का प्रयास किया और उस बीच में जो लड़की आवाज़ दी तो घर वाले जाग गए और लड़का भाग गया। भागते हुए देखा गया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट की गई पुलिस थाना में, क्योंकि महिला अधिकारी पुलिस थाना में सदस्य नहीं थे, इसलिए उसके एफ आई आर की ऐसे अपराधों के लिए महिला अधिकारी का होना जरूरी है, पूछताछ और विवेचना के लिए उसको मोहन नगर थाना भेजा गया। आवेदन के साथ उसके भाई द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, दिया गया। उसके बाद आगे कार्रवाई पुलिस थाना मोहन नगर द्वारा किया गया और प्रथम प्रारंभिक विवेचना में अपराध बयान की जन संपूर्ण विवेचना भी पुलिस थाना द्वारा की गई और वो मंडी न्यायालय समक्ष चालान पेश किया गया और उसमें सभी का जो आरोप लगाए गए थे भोजन की ओर से पूर्णतः प्रमाणित हुआ और इसलिए उस सभी तथ्यों को दस्तावेजों को देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 20 साल की सजा और 500 रुपये का जुर्माना का आदेश पारित किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।